वेलकम फ्रेंड्स, ये है हमारे पास सिक्स फिंगर गेमपैड मोबाइल कंट्रोलर और इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, सेटिंग और गेम प्ले भी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमने अमेज़ॉन से मंगवाया है, तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। देख सकते हैं सिंपल पैकिंग है जिसमें चाइना या पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। बाकी हम इसे पीछे मोड़ के देखते हैं। देखिए आप इधर ये पढ़ सकते हैं, इधर लिखा है सिक्स फिंगर गेम पैड और ये वैसे पबजी मोबाइल कंट्रोलर है। आप इसे कॉल ऑफ ड्यूटी या फ्री फायर में भी लगाकर खेल सकते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल है। तो बॉक्स को ओपन करके देखते हैं क्या गेम पैड कैसा है। तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ तो आप देख, बॉक्स के अंदर तो कुछ नहीं है, खाली डब्बा है, इसे साइड में रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये तो काफ़ी ये अच्छा लग रहा है वैसे। और पीछे देखते हैं इसके ट्रिगर हैं, ये देखिए यहाँ पे एक उंगली यहाँ रखनी है, एक उंगली यहाँ और एक उंगली यहाँ पर, ये चार उंगलियाँ यहाँ पर आए, चार उंगलियाँ पीछे की पीछे आएँगी। आप ऐसे 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 करके चला सकते हैं। तो देखिए और ये फ़ोन यहाँ पे सेट होता है। देखिए आप फ़ोन इधर सेट कर सकते हैं, ये लंबा भी हो जाता है, इसको नीचे खींचोगे तो इधर फ़ोन यहीं पे सेट हो जाता है। तो अब ऐसे देखिए, तो मैं आपको इसमें फ़ोन सेट करके बता दूँ कि फ़ोन कैसे खेलना है। तो मैं इधर फ़ोन ये इसमें लगाता हूँ, थोड़ा इसे नीचे से खींचता हूँ, अभी थोड़ा वेट किए, अभी लग रहा है तो ये लग गया है। देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम फिट आ गया, हिल भी नहीं रहा, एकदम सही है, फिट है एकदम। और अब इसे मैं देखिए यहाँ पे मैं उल्टा करता हूँ तो गिरेगा भी नहीं, एकदम सही है बिल्कुल। क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, हाथ में भी सही बैठ रहा है, कहीं ज़्यादा हिल भी नहीं रहा। मैं इसकी अब सेटिंग चेंज करता हूँ, तो अब देखिएगा आप मैं सेटिंग कैसे करूँ। वैसे मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूँगा, आप उसमें भी देख सकते हैं कि मैं आराम से सेटिंग कैसे चेंज करनी है। तो अभी मैं थोड़ा वीडियो को जल्दी जल्दी स्किप करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सेटिंग चेंज कर ली है। तो मैं आपको इसमें गेम प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैं गेम चालू करता हूँ, यही गेम चालू हो चुकी है। देख लिया कितनी आसानी से मैंने किल करे। तो आप भी इस गेम प्ले को यूज़ करके एक प्रो प्लेयर बन सकते हैं। और आपको ये गेम पेयर परचेज़ करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज़ कर सकते हैं।